स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनपुट आउटपुट सब सिस्टम सर्विसेज। ये जो सब सर्विसेज हैं ये कर्नल प्रोवाइड करता है, और कर्नल को प्रोवाइड करने का मेन मोटिव ये होता है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन बना रहे। जो भी डेटा हमारा इनपुट या आउटपुट हो रहा है उससे किसी भी टाइप का हमारे सिस्टम में कोई भी एरर ना आए, और हमारे सिस्टम की जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो फास्ट हो जाए। अब हम लोग ये देखते हैं कि आइए इनपुट आउटपुट किस टाइप की, जो सब सिस्टम है वो किस टाइप की सर्विसेज दे रहा है। नंबर वन पे है इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग मतलब कि अगर एक साथ कई सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं तो उसमें से किस रिक्वेस्ट को किस नंबर पे रखना है, और मतलब कि सभी रिक्वेस्टों को एक सीक्वेंस प्रोवाइड करा देना उसके इम्पोर्टेंस के बेसिस पे, कौन सी इम्पॉर्टेंट है उसको पहले रखा जाए, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। ऐसा करने से जो है डेडलॉक से भी बचता है सिस्टम। नेक्स्ट है हमारी बफरिंग। बफरिंग को समझने के लिए आइए हम लोग पहले बफर को समझते हैं। बफर एक टाइप का स्टोरेज होता है जिसमें डेटा एग्जीक्यूट होने से पहले डेटा हमारा बफर स्टोरेज में जाके एग्जीक्यूट होता है, मतलब स्टोर होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, हम सभी यूट्यूब देखते हैं। यूट्यूब में दो टाइप की लाइंस होती हैं, एक रेड होती है, एक वाइट होती है। वाइट का मतलब है वो बफर स्टोरेज आ गया है, मतलब वो प्ले होने से पहले है, और रेड जो है जो पीछे चलता है वो रेड मतलब वो एग्जीक्यूट हो रहा है। और जब वाइट वाली लाइन ख़त्म हो जाती है, रेड और वाइट दोनों एक साथ आ जाती हैं, तब हमारा जो है सर्किल गोल गोल घूमने लगता है, मतलब बफरिंग हो रही है, मतलब डेटा की डिमांड हो रही है, डेटा हमारा बफर स्टोरेज में से ख़त्म हो गया है। ठीक है, आइए कैशिंग अब हम लोग समझते हैं। कैशिंग, जैसा कि हमने इससे पहले भी बता चुके हैं, कैशिंग एक फास्ट मेमोरी डिवाइस है जो सीपीयू से डायरेक्ट अटैच होता है, और सीपीयू को पेजेस प्रोवाइड कराता है ताकि जिससे कि हमारा पेज फॉल्ट ना हो और हमारा एग्जीक्यूशन जो है वो फास्ट हो। स्पूलिंग, स्पूलिंग क्या है, अगर कई सारे आउटपुट डिवाइसेस अटैच्ड हैं तो जो भी आउटपुट डिवाइस अटैच्ड हैं उनका जो आउटपुट है वो होल्ड करता है, और वन बाय वन जो है डिवाइस, आउटपुट डिवाइस अलॉट करके किस आउटपुट डिवाइस में कौन सा आउटपुट जाना है, मतलब जब आउटपुट हमारा रिजल्ट आ गया तो रिजल्ट किसके थ्रू रिप्रेजेंट होगा, मॉनिटर के थ्रू होगा, प्रिंटर के थ्रू होगा, स्कैनर के थ्रू होगा, कि स्पीकर के थ्रू होगा, जिसके थ्रू हमारा आउटपुट जाना होगा उसके थ्रू स्पूलिंग भेज देगा। एरर हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग एक टाइप का प्रोटेक्शन स्कीम है। जो भी सिस्टम में जो भी एरर्स आती हैं वो सारी की सारी हमारा एरर हैंडलिंग उनको मैनेज करता है, उनका नोटिफिकेशन देता है कि ये एरर आ गई है। ये इसमें कई टाइप के नोटिफिकेशंस होते हैं, काफ़ी सारे डीप होते हैं, काफ़ी सारे स्मॉल होते हैं, कि यहाँ पे इस टाइप की ये प्रॉब्लम आई है और ये करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इनपुट आउटपुट प्रोडक्शन, ये हमारा एरर हैंडलिंग और इनपुट आउटपुट प्रोडक्शन दोनों सेम टाइप के होते हैं। अगर हमें एरर के बारे में पता चलता रहेगा तो हम किसी भी प्रॉब्लम से हैंडल कर लेंगे। इनपुट आउटपुट प्रोडक्शन में जो मेन चीज़ काम करती है वो सिस्टम कॉल्स काम करती है। सिस्टम कॉल क्या है कि सिस्टम को जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है वन बाय वन उसको वो चीज़ मिलनी चाहिए।